नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पॉन्सोलॉजी। पॉन्सोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक 10 एयरपोर्ट्स के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो 10वें नंबर पर एयरपोर्ट है वो है वेलिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि न्यूजीलैंड में लोकेटेड है। इस एयरपोर्ट का रनवे 2081 मीटर है। बोला जाता है यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्ली से हवा इतनी तेजी से चलती है कि प्लेन्स लैंड नहीं कर पाते हैं। बहुत एक्सपीरियंस पायलट की जरूरत होती है। अगर आपके प्लेन में एक्सपीरियंस पायलट नहीं है तो आप संभल के रहिएगा, कहीं आपकी मौत ना हो जाए। जो 9वां एयरपोर्ट है वो है गिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी में लोकेटेड है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एयरपोर्ट शहर के मेन रोड पर बना हुआ है। यहाँ पे कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ भी बहुत तेजी से हवा चलती है अक्रॉस द रॉक ऑफ गिब्राल्टर, और ये पायलट के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि वो प्लेन लैंड करवा सके। इस एयरपोर्ट से भी संभल कर रहिएगा, कहीं आपको भी ये ना बोलना पड़ जाए कि भाई 500 ज्यादा ले ले पर लैंड करवा दे। जो 8वां एयरपोर्ट हमारे लिस्ट में है वो है प्रिंसेस जुलियाना एयरपोर्ट, जो कि सेंट मार्टिन में लोकेटेड है। ये एयरपोर्ट माहो बीच के साइड में बना हुआ है, जिसके कारण रनवे ऑलमोस्ट बीच से कनेक्टेड है और इसकी लंबाई 2300 मीटर है। यहाँ पे बीच पे एंजॉय करते हुए लोगों की बहुत बार मौत हो चुकी है। यहाँ टेक ऑफ और लैंडिंग करवाना हवा के अगेंस्ट माना जाता है, जिसके कारण प्लेन का एक्सीडेंट बहुत बार हो जाता है। तो आप इस एयरपोर्ट से भी बच के रहिएगा। पता चला कि आप बीच पे एंजॉय करने गए और प्लेन ही आपके ऊपर गिर गया और आप मर गए। तो चलिए बात करते हैं 7वें एयरपोर्ट के बारे में। ये एयरपोर्ट का नाम है नरसारकुआक एयरपोर्ट, जो कि ग्रीनलैंड में लोकेटेड है। ये एयरपोर्ट बनाया गया था 1941 में यूएसए ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। यहाँ पे रनवे के बगल में ही वॉल्केनिक इरप्शन होती है, जो कि पायलट के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। कभी कभी एयरक्राफ्ट के इंजन भी डैमेज हो जाते हैं और एयरक्राफ्ट ब्लास्ट कर जाता है। आप इमेजिन करके देखिए, आप ऐसे एयरक्राफ्ट में बैठे हैं और एयरक्राफ्ट ब्लास्ट कर जाए, आपको कैसा लगेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो 6वां एयरपोर्ट हमारे लिस्ट में है वो है टॉनकॉटिन एयरपोर्ट, जो कि होंडुरस में लोकेटेड है। ये एयरपोर्ट को वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट माना जाता है और ये एक जानलेवा एयरपोर्ट भी है। यहाँ के वेदर के कारण एयरक्राफ्ट को लैंड करवाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। 1999 में एक बोइंग कमर्शियल प्लेन क्रैश हो गया था यहाँ पे और 132 लोग मर चुके हैं। आप शुक्र मनाइए कि आप वो 132 लोग में नहीं थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे नहीं आ सकते हैं। अगर आप इस एयरपोर्ट से दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो 133वें पर्सन आप हो सकते हैं। जो 5वां एयरपोर्ट है वो है मडीरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पोर्टुगल में लोकेटेड है। ये एयरपोर्ट पोर्टुगल शहर में सिचुएटेड है। हैरानी की बात ये है कि ये एयरपोर्ट अटलांटिक ओशन के ऊपर बनाई गई है। यहाँ पे सिंगल रनवे है जिसकी लंबाई 1600 मीटर है। यहाँ पे एयरक्राफ्ट को लैंड करवाने के लिए पायलट्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपका पायलट ट्रेंड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी मौत तो पक्की है, लिख के ले लो। चलिए बात करते हैं 4थे एयरपोर्ट के बारे में, जिसका नाम है टेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट, जो कि नेपाल में लोकेटेड है। ये नेपाल का एकमात्र एयरपोर्ट है जो लुकला एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की रनवे हिमालय की छोटी छोटी पहाड़ों से घिरी हुई है। रनवे की लंबाई सिर्फ 527 मीटर है। यहाँ पे सिर्फ हेलीकॉप्टर्स और प्रोपेलर प्लेन्स अलाउड है लैंड करवाने के लिए। अगर आप सलमान खान के जैसे कमर्शियल प्लेन से एंट्री करते हैं तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं हिमालय से टकरा कर वहीं पे जम ना जाए। चलिए बात करते हैं 3rd एयरपोर्ट के बारे में, जो कि हमारे लिस्ट में है। वो है कॉर्चेवेल एयरपोर्ट, जो कि फ्रांस में लोकेटेड है। ये एयरपोर्ट फ्रांस में सिचुएटेड है। इसकी रनवे नेपाल एयरपोर्ट से भी ज्यादा छोटी है, जिसकी लंबाई सिर्फ 525 मीटर है। यहाँ पे फ्रेंच क्लिप बहुत सारे हैं। अगर पायलट को टेक ऑफ करना है तो यहाँ पे स्पीड और डायरेक्शन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो गई तो आपकी मौत तो पक्की है, उसके साथ पूरा प्लेन भी जाएगा। जो 2रा एयरपोर्ट हमारे लिस्ट में है वो है जुआंचो ई क्यूरेशियन एयरपोर्ट, जो कि सबा आइलैंड में लोकेटेड है। ये एयरपोर्ट एक आइलैंड के ऊपर बनाई गई है। इसे किंग कॉन्ग मूवी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की रनवे की लेंथ सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर है और दुनिया की सबसे छोटा रनवे है ये। यहाँ पे लैंड करवाने से पहले सिविल एविएशन की स्पेशल परमिशन लगती है, क्योंकि बहुत छोटा रनवे है, कभी भी एयरक्राफ्ट पानी में गिर सकता है। अगर स्पेशल पायलट को ना दिया जाए तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका एयरक्राफ्ट एक स्पेशल पायलट ही उड़ा रहा हो, नहीं तो आपकी पानी में डूब के मौत भी हो सकती है।
तो अब आते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट के बारे में, जो कि हमारे लिस्ट में नंबर वन पे है। इसका नाम है पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पारो भूटान की एकमात्र इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। ये एयरपोर्ट छोटी छोटी पहाड़ों के बीच में बनाई है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत तेजी से हवा चलती है। यहाँ पे सिर्फ सुबह और दिन के वक्त ही प्लेन लैंड कराया जा सकता है। यहाँ पे पायलट्स को 45 डिग्री के एंगल में प्लेन को घुमाना पड़ता है रनवे पे अप्रोच करने से पहले। ये बहुत डेंजरस होता है। सिर्फ लिमिटेड और ट्रेन पायलट्स ही अलाउड है यहाँ प्लेन लैंड करवाने के लिए। अगर आपका पायलट स्किल्ड, ट्रेंड और एक्सपीरियंस नहीं है, तो पता चला कि 45 डिग्री के एंगल में जाने के बजाय वो 90 डिग्री के एंगल में जाके प्लेन ठोक दिया, तो आप तो ऊपर चले जाएंगे। इसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को आग की तरह फैला दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हर फेसबुक ग्रुप में शेयर करो, हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के साथ।